बिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डकैतों को ढेर कर दिया है। आपको बता दें कि मोतिहारी और नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में डकैती की योजना को अंजाम देने जा रहे थे डकैत। उसी बीच पुलिसकर्मियों को गुप्त सूचना मिलती है, जिसके पश्चात बिहार पुलिस वहां पर तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों में मुठभेड़ होती है। मुठभेड़ में दो की संख्या में जो डकैत थे उसे धराशायी कर दिया गया है। वहीं पर दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। यहाँ पर एडीजी गैंगवार क्या कुछ कह रहे हैं जरा देखें। बहुत सारे कागज हैं, मैंने देखे भी नहीं। शुरू करते हैं। पुलिस मुख्यालय की प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। आज महत्वपूर्ण अपराध कर्मियों के विरुद्ध पुलिस की जो उपलब्धि रही है उसके बारे में, और जो ERSS में हम लोग किस तरह से आम जनता के सहूलियत के लिए तत्काल कार्रवाई की व्यवस्था का अनुसरण करें उसके बारे में, और कुछ अन्य विषयों पर आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने जो अभी हाल की पुलिस मुठभेड़ है उसके बारे में बात रखना चाहता हूँ। मोतिहारी पुलिस के द्वारा उनकी तत्परता से डकैती की योजना विफल करते हुए पुलिस मुठभेड़ हुई है, उसमें दो डकैतों के मारे जाने की सूचना है। घटनाक्रम इस प्रकार है कि भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में नेपाल से आकर भारत में अपराध करने वाले आपराधिक गिरोहों की सूचना प्राप्त हुई थी और उनके सदस्यों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही थी। 28 अप्रैल को हुई प्रेस वार्ता में आपको ये बताया गया था पुलिस मुख्यालय के द्वारा कि मोतिहारी जिला के घोड़ासहन भिलाई OP अंतर्गत नेपाल की सीमा से सटे गाँव में जो गृह डकैती हुई है, उस आपराधिक घटनाओं पर रोकथाम के लिए 5 डकैती निरोधक दलों का गठन किया गया था मोतिहारी में। गठित दल घोड़ासहन, महुआवा, आदापुर, कुंडवा चैनपुर, रक्सौल थाना में कैंप कर इस तरह की घटनाओं और आपराधिक जो गैंग है उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किए गए थे। 28 अप्रैल की उस सूचना के बाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी और कल रात की ये घटना है जिसमें रात्रि में डकैतों की टोह में जब पुलिस वहाँ घोड़ासहन थाना क्षेत्र में घूम रही थी तो ग्राम पुरनैया पहुँचने पर करीब 2 दर्जन 20 से 25 की संख्या में संदिग्ध अपराध कर्मियों के भ्रमण को देखा गया। पुलिस कर्मियों के द्वारा उनको रोकने और उनके सत्यापन के लिए जब चेतावनी दी गई तो पुलिस को देखते ही पुलिस टीम पर उन्होंने बम से हमला कर दिया और उसके बाद पुलिस बल पर उनके द्वारा कई गोलियाँ चलाई जाने लगीं। इसमें DAP के 3 जवान बम के टुकड़ों और छर्रों से जख्मी हो गए। आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा भी लगभग 2 दर्जन गोलियां चलाई गईं। उसके बाद डकैत वहां से फायरिंग करते हुए भाग गए। पुलिस के द्वारा उनको घेराबंदी करने की कोशिश की गई थी। आगे बढ़कर के देखा गया तो वहां पाया गया कि 2 डकैत वहां पर गोली लगने से अचेत अवस्था में पड़े गए हैं, मृत घोषित कर दिए गए। उस घटनास्थल से पिस्तौल, गैस कटर, कुल्हाड़ी, खंती, भारी मात्रा में जिंदा बम और बम बनाने की सामग्री बरामद हुई है। मृत डकैतों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। नेपाल पुलिस से मोतिहारी पुलिस का संपर्क है और वो उनसे उनकी डकैतों की पहचान के लिए संपर्क कर रही है। घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड पहुंच गया है। डॉग स्क्वाड के द्वारा घटनास्थल के निरीक्षण के क्रम में भी ये पाया गया है कि खून के धब्बों के दाग नेपाल सीमा की तरफ जाते हुए दिखाई दिए हैं, उसको फॉलोअप किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक स्वयं रात्रि में घटनास्थल पर लगातार कैंप किए हुए हैं। इस संबंध में बमों के निष्क्रिय करने की कार्रवाई के लिए बम दस्ता FSL की टीम भी वहां पहुंच रही है और इस प्रकार से इस विशेष टीम के द्वारा जो घोड़ासहन थाना क्षेत्र में डकैती करने के उद्देश्य से घूम रहे थे उन पर प्रभावी और जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई। 2 डकैतों के मारे जाने की सूचना, जैसे ही उनका नाम या उनका आपराधिक इतिहास या और कोई विवरण पता चलता है हम आपको अवगत कराएंगे। जाहिर सी बात है कि ADG गैंगवार ने बताया है कि यहाँ पर से डकैत जो योजना बना रहे थे उनके पास से गैस कटर, खंती या कुल्हाड़ी भी बरामद किया गया है। और यहाँ पर ADG गैंगवार ने यह भी बताया है कि डॉग स्क्वाड FSL की टीम वहाँ पर पहुँची थी, जिसमें देखा गया है कि खून के धब्बे जो थे वह बिहार से नेपाल बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह जो डकैती की घटना को अंजाम देने आए थे नेपाल से बिहार के
बिहार में डकैती की अंजाम को घटना को अंजाम देने के लिए डकैत कर्मी यहाँ पर आए थे। तमाम ऐसे ही छोटी बड़ी घटनाओं से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें DHD न्यूज़।